हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका तनीषा की रसोई में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दूध से बनने वाली बहुत ही टेस्टी सी, बहुत सी स्वादिष्ट सी रेसिपी जो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे हमने यहाँ पर आधा जग दूध का लिया है और इससे हम बनाएंगे दूध के मालपुए। तो एक कढ़ाई लिए हमने, इसमें डालेंगे दूध, जो हमने दूध ले रखा है अपना वो उसके अंदर डाल देंगे। इस दूध को हमें पकाना है उबाल आने तक। वैसे तो हमने पका हुआ दूध लिया है, आप चाहें तो कच्चा दूध भी यूज़ कर सकते हैं। और दूध को उबाल आने तक आप इसे पकाएं, उबाल आने तक पकाना है। और इसको हमें रबड़ी बनानी है, जैसे हम दूध की रबड़ी बनाते हैं, दूध को पकाते पकाते हमें गाढ़ा कर लेते हैं, उस टाइप का हमें इसको बनाना है। मतलब कि हमें दूध की रबड़ी बनानी है। तो आप इसको मीडियम आँच पर रखें और इसको पकाते रहें, और बीच बीच में आप दूध को चलाते रहें। 10 से 15 मिनट में हमारी रबड़ी बनके तैयार हो जाएगी। जब तक हमारा दूध उबल रहा है, तब तक हमारा दूध गाढ़ा हो रहा है, तब तक हम मालपुओं के लिए बना लेते हैं चाशनी। तो यहाँ पर हमने लिया एक कटोरी, हमने लिया चीनी। एक कटोरी चीनी के हिसाब से हम डालेंगे इसके अंदर एक कटोरी पानी। जिस कटोरी से हमने चीनी ली है उसी कटोरी से हमें पानी लेना है। जैसे हम रसगुल्लों की चाशनी बनाते हैं उस टाइप की हमें चाशनी बनानी है मालपुओं के लिए। तो इसको भी आप मीडियम आंच पर रख दें और 10 से 15 मिनट में हमारी चाशनी भी बनके तैयार हो जाएगी। और तार वाली चाशनी नहीं बनानी है हमें, बस चाशनी को हमें चिपचिपा होने तक पकाना है। तो इसको हम रख दें गैस के ऊपर। और बातों ही बातों में हमारा दूध भी पक चुका है, हमारी रबड़ी बन चुकी है। इस तरीके की हमें रबड़ी बनानी थी, इतनी ही पतली बनानी थी। दूध को हमें इतना ही गाढ़ा रखना था, ये बन चुका है। इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। इधर जो हमने चाशनी रखी थी गैस पर उसको भी देख लेते हैं। चाशनी भी हमारी बन रही है, थोड़ी देर और पकाएंगे। इसमें डालेंगे 2 से 3 हमने इलायची ली है वो डाल देंगे। इलायची से टेस्ट अच्छा आ जाएगा चाशनी के अंदर। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, जैसे भी आप डाल सकते हैं इलायची, इस तरीके से भी डाल सकते हैं। और 5 से 6 मिनट और पकाएंगे और हमारी चाशनी भी बन के तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा और पकाना है इसको अभी हमें। और जो हमने दूध लिया था अपना वो भी ठंडा हो गया है हमारा। और इसमें डालेंगे हम, इसको रखेंगे थोड़ा सा साइड में। आधी कटोरी हम लेंगे मैदा, इसमें हम मैदा का यूज़ करेंगे। और आधा गिलास दूध का यूज़ और करना है हमें इसके अंदर। अब जो हमने दूध गाढ़ा करके रखा हुआ है अपना, इसके अंदर हमें थोड़ी थोड़ी मैदा ऐड करनी है। पहले आप 1 चम्मच मैदा डालें, फिर आप बाकी की मैदा ऐड करें इसके अंदर। अब थोड़ा थोड़ा डालते हुए मैदा को इस तरीके से चलाएँ चम्मच से। और मैदा को एक साथ हमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही मैदा को हमें इसके अंदर डालना है। तो थोड़ी थोड़ी मैदा करते रहें और इस तरीके से चलाते रहें। और जो दूध लिया था हमने वो इसका यूज़ करेंगे। और थोड़ा सा दूध डालेंगे पहले हम और इसको चलाएंगे फिर से। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि दूध के मालपुए बनाते हुए आपको मैदा और दूध का जो बैटर बनाना है थोड़ा थोड़ा करते हुए डालना है। तो ये बन चुका है बैटर हमारा, और दूध जो हमने लिया था सारा यूज़ हो गया है इसके अंदर। और जो हमने मैदा ली थी वो हमने मैदा सारी यूज़ नहीं की है, उसमें से हमने आधी मैदा बचा दी है। मतलब कि हमने आधी मैदा का यूज़ करा है मालपुए बनाने के लिए। तो बैटर हमारा बन चुका है, देखिए इस तरीके का ही बैटर हमें मालपुए बनाने के लिए बनाना है। इस तरीके से बैटर बनाएंगे तो आपके मालपुए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। और आटे के मालपुए आपने कितनी बार खाए होंगे, चावल के मालपुए आपने कितनी बार खाए होंगे, पर दूध के मालपुए आप इस तरीके से बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाले हैं। आप इसको रख दें 5 मिनट के लिए। तो इधर हमारी चाशनी बन चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है, इतना ही पकाना था हमें इसे। इसको रख देंगे साइड में और तब तक अपने मालपुए बना लेते हैं। तो मालपुए का बैटर हमारा बिल्कुल सेट है, अब इसको हम बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे बनाना। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 कटोरी, हमने डाला है इसके अंदर रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो देसी घी में भी मालपुए बना सकते हैं, देसी घी में मालपुए और भी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, पर हम यहाँ पर मालपुए रिफाइंड ऑयल से ही बनाएंगे। तो तेल को कर लेंगे थोड़ा सा गर्म, ज़्यादा गर्म तेल में हमें मालपुए नहीं डालने हैं। और एक गोल चमचा लेंगे और इसको हम बैटर को इस तरीके से डालेंगे, एक ही तरफ डालना है हमें, चारों तरफ नहीं फैलाना है इसको, बस एक तरफ डाल के आप इसको इस तरीके से ही छोड़ दें, बिल्कुल टच ना करें। और चमचे से बस इसके ऊपर आप इसके ऊपर थोड़ा सा रिफाइंड डालते रहें ताकि ये मालपुआ हमारा फूल जाए। तो इस तरीके से डालेंगे तो हमारा मालपुआ पूरी की तरह फूल जाएगा। और इस तरीके से करने से हमारे मालपुए पूरी की तरह फूले फूले बन के तैयार होंगे। और मीडियम आँच पर आपको इसको फ्राई करना है हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक। और बिल्कुल भी आप इसको पलटे नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं पलटना है, जब तक कि नीचे से फ्राई अच्छे से ना हो जाए। तब तक ये नीचे से फ्राई नहीं होगा तब तक आप इसको ना पलटें। अगर आप इसको पलट देंगे तो ये बीच में से फ्राई भी नहीं हो पाएगा और कच्चा भी रह जाएगा।
तो आप इसको इस तरीके से फ्राई करते रहें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मालपुआ कितना अच्छा फूला है और कितना सा अच्छा बनके भी तैयार हो गया है, कितना गोल्डन कलर आ भी गया इसके अंदर। और ये जो हमारे दूध के मालपुए बन रहे हैं बहुत ज़्यादा सबको पसंद आने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम और बहुत ही अच्छे, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होंगे। तो ये गाइज, ये हमारा फ्राई हो चुका है, आइए इसे निकाल लेते हैं। बाकी के मालपुए भी हम इसी तरीके से और इसी स्टेप टू स्टेप बनाकर तैयार करेंगे जैसे हमने आपको बताया है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे सारे मालपुए बनके तैयार हो गए हैं, आइए इन्हें डिप कर लेते हैं चाशनी के अंदर। जो हमारी चाशनी थी वो भी हमारी बनके तैयार हो गई थी, इसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे क्योंकि हमें गर्म चाशनी में मालपुए डालने हैं अपने। यहाँ पर हमारे मालपुए भी बनके तैयार हैं, चाशनी भी बनके तैयार है। अब क्या करना है, हमें बस मालपुए को चाशनी में डिप करना है और 2 मिनट के लिए चाशनी के अंदर ऐसे ही छोड़ दें आप मालपुए को, तो चाशनी हमारी मालपुए के अंदर अच्छे से ऐड हो जाएगी, तो हमारे मालपुए और भी टेस्टी लगेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो इस तरीके से आप 2-2 मिनट के लिए मालपुए को डालें और बाहर निकाल लें। तो ये हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे और बाकी के मालपुए जितने भी हमारे हैं उसी तरीके से हमें डिप करने हैं और 2 मिनट बाद निकाल लेने हैं। जितने मीठे बनेंगे उतने और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो ये देखिए हमारे सारे मालपुए यहाँ पर बनके तैयार हो गए हैं, चाशनी में अच्छे से डिप हो गए हैं। अब क्या करना है हमें, अब लिए हमने बारीक कटे हुए बादाम लिए हैं, इसके ऊपर हम डाल देंगे इस तरीके से, अच्छे से गार्निश कर लेंगे। आप चाहें तो कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स से इसको गार्निश कर सकते हैं, इससे ड्राई फ्रूट्स डालने से मालपुए और भी टेस्टी लगेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे दूध के मालपुए बनके तैयार हैं और कितने टेस्टी लग रहे हैं, कितने सॉफ्ट बने हैं, मैं आपको दिखला देती हूँ कितने नरम और सॉफ्ट बने हैं ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसान सी और बहुत ही ईजी सी, बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में।